Okay, now we'll see this question 5.40 of NCERT book. इसमें दिया है थिन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. शो दैट द स्मॉल बीड ऑन द वायर लूप रिमेन्स एट इट्स लोअर मोस्ट पॉइंट फॉर ओमेगा लेस देन आर इक्वल टू रूट जी बाई आर. What is the angle made by the radius vector joining the center of the bead with the vertical downward direction if omega is this much? Neglect the friction. ठीक है, तो ये ऐसे omega से घूमेंगी तो ये bead जो है horizontal circle motion small r radius का बनाएगा. ये capital R है और ये हमने theta लिया तो sin theta will be small r upon capital R and small r is r sin theta. ठीक है, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज दिस कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स. तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट एंगल से दूर वाला कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का एन साइन थीटा होगा. दैट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड आर की वैल्यू ये पुट कर दी हमने. तो ये इक्वेशन हो गई साइन थीटा गेट्स कैंसल्ड. तो एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एम इज द मास ऑफ द बीड. ऑल राइट, नाउ एन का जो ये कंपोनेंट है कॉस कंपोनेंट दैट विल बैलेंस एम जी. नो मोमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन हियर एन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. एम गेट्स कैंसल कॉस थीटा इज दिस मच व्हेन ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू दिस. इक्वल टू वाला ले लिया रूट जी बाई आर तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आर ऊपर रूट हट जाएगा और आर ऊपर चला जाएगा. ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों. वन वन मीन्स इट विल बी एट लोअर मोस्ट पॉइंट फॉर ओमेगा दिस मच आर लेस देन दिस मच. तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आएगा. व्हेन ओमेगा इज रूट टू जी बाई आर पुटिंग द वैल्यू हियर सॉल्विंग वन बाई टू आर है देयरफॉर थीटा इज 60 डिग्री. ओके, लेट्स हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व. पहले हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रेडियस निकाल ली, फिर एन के जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट सेंटीपेटल फोर्स देगा, ये वाला कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा का रिलेशन आ गया ये वाला, उसमें ओमेगा की वैल्यू दोनों वन बाय वन पुट कर दी तो ये रिजल्ट आ गया 0 and 1/2. Next we'll see now this was done, this was also done. देखो ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं. ब्लॉक ऑफ मास 10 kg ये वाला इज सस्पेंडेड थ्रू द टू लाइट स्प्रिंग्स दिस एंड दिस. तो बोथ द स्केल्स विल रीड 10 kg फर्स्ट ऑप्शन, बोथ द स्केल्स विल रीड 5 kg नो. Okay, we'll see. Upper scale will read 10 kg and lower 0. The readings may be anything between their sums. So, देखो ये वाला 10 kg यहाँ suspend किया, ये इसको नीचे खींचेगा, ये यहाँ से नीचे खींचेगा, ये भी elongated हो जाएगा, ये भी tension में आ जाएगा. तो ये वाला तो 10 kg read करेगा, ठीक है, और ऊपर वाला इन दोनों का weight read करेगा. 10 kg plus मास ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस विच इज लाइट, ये तो 0 है, तो ऊपर वाला भी 10 kg रीड करेगा, ये भी 10 kg रीड करेगा. तो आंसर इज बोथ विल रीड 10 kg. ये वाला तो 10 kg, ये वाला तो 10 kg को सपोर्ट करेगा, 10 करेगा, ऊपर वाला इन दोनों का करेगा, बट ये लाइट है इसका मास नहीं है, तो इसका मतलब 0 plus 10, तो ऊपर वाला भी 10 रीड करेगा.
All right. This is the question. Okay, let's see. Consider the situation shown in this figure. All the surfaces are frictionless and string and pulleys are light. Find the magnitude of acceleration of the two blocks. इस टाइप के क्वेश्चन में वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन ब्लॉक विल मूव. तो वी कैन टेक वन ऑफ द डायरेक्शन. सपोज हमने ये ए ले लिया तो ये इस तरफ जाएगा. अगर अपना आंसर ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये डायरेक्शन सही है. माइनस आती है तो इट मीन्स दिस विल गो दिस साइड, दिस विल गो दिस साइड. वी डोंट हैव टू वरी. नाउ फॉर दिस इसको सपोज इफ वी टेक द ब्लॉक ए दिस बी, तो ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे, बी के लिए लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना. ए का इक्वेशन कैसे लेंगे, इसका जो वेट वेट एम जी है उसका जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, थीटा वन लेंगे इसको. तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा वन, एम वन जी साइन थीटा वन माइनस अपोजिट टेंशन अपोजिट फोर्स टेंशन. एम वन जी साइन थीटा वन माइनस अपोजिट फोर्स टेंशन इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू व्हाट. एम का भी कंपोनेंट लेना एम ए होता है ना, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए. मास का कंपोनेंट नहीं लेना है, मास एज इट इज कितना है. ओके एम वन ए, केवल फोर्स के कंपोनेंट लिए जाते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मास का कंपोनेंट नहीं लेना है. बी के लिए फॉर बी बी का क्वेश्चन क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा तो पहला टेंशन हैज टू बी बिगर देन दिस टी माइनस अपोजिट फोर्स एम टू जी साइन थीटा टू विल बी दिस टी माइनस एम टू जी साइन थीटा टू इज इक्वल टू एम टू इन टू ए सेम रहेगा. नाउ यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट द राइट आंसर ऑफ ए. No problem. Solve and send me. Tell me what is the answer in next class. Okay. ये question देखेंगे. Okay, I'm not rubbing it off. I'm just explaining. देखो इसमें moving pulley है. There is a moving pulley. If suppose ये block नीचे आ रहा है और ये pulley ऊपर जा रही है ना, suppose ये pulley यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो इधर से x distance free हो जाएगी, इधर से x free हो जाएगी, तो ये block 2x नीचे आ जाएगा. Clear? ये pulley यहाँ पहुंच गई, suppose इधर से 1 centimeter, ये भी 1 centimeter, तो ये rope अभी ऐसे हो जाएगी, ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा. इधर से 1 centimeter फ्री है, इधर से 1 centimeter, ये 2 centimeter नीचे आ जाएगा. सिमिलरली हियर आल्सो सपोज ये ब्लॉक ऊपर गया, ये 1 centimeter इधर गई, तो ऐसे रोप हो जाएगी अभी, तो 2 centimeter फ्री हो जाएगी. इसमें भी मूविंग पुली जो है एक्स ऊपर गई, इधर से एक्स फ्री होगी, इधर से ये 2x नीचे आ जाएगा. तो मूविंग पुली जो है वो एक्स मीटर मूव होने से दूसरा जो ब्लॉक है अदर ब्लॉक कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द रोप 2x नीचे चलता है, तो इसका डबल एक्सेलरेशन रहेगा. सपोज हमने इसका इसका ए लिया, ये ए ऊपर गया पुली के साथ, तो ये 2x नीचे आया, तो ये एक्सेलरेशन का ए है तो ये 2 है. दैट इज द मेन पॉइंट हियर. तो जो मूविंग पुली के साथ ब्लॉक रहता है वो एक्सेलरेशन ए होने से दूसरा ट्वाइस डिस्टेंस चलता है सेम टाइम में, तो इसका एक्सेलरेशन 4 kg का एक्सेलरेशन ट्वाइस ही होगा. अदर थिंग्स आर सिंपल. अभी इसको ए ले लिया, ए है, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा एम वन जी अपोजिट फोर्स टेंशन टी इज इक्वल टू मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन दैट इज 4a. एम वन इज 4, मास इनटू एक्सेलरेशन 2a, दैट इज एम वन इज 4, टी एज इट इज, मास इज 4 एंड
एक्सलेशन इज ट्वाइस है, ये इक्वेशन वन बन गई। अभी ये पुली, ये जो पुली है इसकी इसकी देखते हैं बीडी मूविंग पुली का, ये अगर ये टेंशन टी है तो इसमें थ्रू आउट टी रहने वाला है, ऐसे ये भी टी, ये भी टी, इसमें हमने टी डैश ले लिया नीचे वाले में। यहाँ पे पुली का बीड देखो, ऊपर टी, ये भी टी और नीचे टी डैश। और सपोज ये एक्सलेशन ए से ऊपर जा रही तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से, टू टी ऊपर टी डैश नीचे, लाइट पुली है तो मास जीरो है तो ये पूरा ही टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ से एक्सलेशन टी डैश इज टू टी। तो यहाँ पे देखो जो ब्लॉक का एक्सलेशन ए है उसका टेंशन टू टी ट्वाइस है, एक्सलेशन आधा होता है टेंशन डबल हो जाता है उसका, ये ध्यान रखो। अभी बी ब्लॉक का लिखेंगे, ऊपर जा रहा है टी डैश से, टी डैश टेंशन है, वेट नीचे लग रहा है एम टू जी मल्टीप्लाइड बाई मास इंटू एक्सलेशन। तो वेन वी पुट द वैल्यूज, टी डैश की वैल्यू पुट कर दी मास की, तो इक्वेशन फोर हो गई। तो ये इक्वेशन आ गई फोर। जब हम वन एंड टू को सॉल्व करेंगे, वन एंड फोर को सॉल्व करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू एक काम करो, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टू टी, यहाँ भी इंटू टू, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, टी 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 कैंसिल, टू टी कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा एक्सलेशन आना चाहिए इसका, ए का एक्सलेशन टू जी बाई सेवन और बी का उसका आधा, टू कैंसिल होगा जी बाई सेवन, ए नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। तो दिस आंसर शुड कम एंड सिमिलरली दिस क्वेश्चन कैन बी डन, इनके आंसर भी आई एम शोइंग यू, यू कैन ट्राई एट होम एंड गेट द राइट आंसर। ठीक है, यू कैन सी द इक्वेशन अगेन। हमने क्या किया, ब्लॉक ए का डिसाइड किया कि उसका एक्सेशन डबल होगा, और फिर उसकी इक्वेशन लिखी, फिर पुली की इक्वेशन लिखी, टेंशन हमें टी एंड टी डैश में रिलेशन बना लिया, फिर बी की इक्वेशन लिखी और फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। इसमें भी अगर हमें नहीं पता लगता कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा, वी टेक वन ऑफ देम गोइंग डाउन, अगर आप एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आ गया तो वो डायरेक्शन सही है, नेगेटिव आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, ये एक क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या डिफरेंस है, तीन ब्लॉक का हमने पहले यहाँ पे किया था, देखो ये इसकी और इसकी इक्वेशन तो सिंपल थी, इसकी इक्वेशन जो बनाई वन टेंशन माइनस अपोजिट टेंशन इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन थी, बट यहाँ पर जो ब्लॉक है इंक्लाइंड सरफेस पर है तो इसमें एक फोर्स और आ जाएगा, टेंशन तो इसका तो सेम बन जाएगा, इसका टेंशन टी वन सपोज ज्यादा है टी टू कम है, तो टी वन माइनस टी टू, बट वन मोर फोर्स, इसका जो वेट है एम थ्री जी साइन थर्टी, वेट का कंपोनेंट वो भी नीचे होगा, तो नीचे दो फोर्सेज होंगे, टी वन माइनस दिस टू फोर्सेज इज इक्वल टू एम थ्री है, तो यहाँ पर वेट का कंपोनेंट भी अपोज करेगा एम थ्री को ऊपर जाने से। ऑल राइट, देन यू कैन सॉल्व इट, इसका आंसर 8g/13 है। देखो इसमें ये क्वेश्चन है कि ये कितना फोर्स लगाए या कितना टेंशन लगाए यहाँ पर, ये 7 kg ब्लॉक को हम होल्ड करके रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमने फोर्स टी लगाया या टेंशन एफ लगाया, है ना, टी लगाया, ये पुली में देखो ये ऐसे बंधी हुई ऊपर, ये टी ऐसे रहेंगे दोनों, इस पुली में ऊपर वाले रोड में टेंशन टू टी हो जाएगा। अभी इसमें भी देखो देखो ये टूटी और ये भी टूटी, तो ऊपर वाली में डबल होता जाएगा, ये 4t हो जाएगा, तो मूविंग पुली के जो सिंगल स्ट्रिंग होती है इसमें टेंशन डबल होते जाते हैं, क्योंकि इधर दोनों तरफ टी से खींच रहे हैं, ये टूटी ऐसे टूटी टूटी से खींच रहा है, तो 4t, यही टेंशन इधर से आके जब इधर पहुंचेगा, सिंगल लूप में सिंगल टेंशन रहता है, ये वाला जो है 4t वाला इधर आ जाएगा,
और इसका टी रहेगा ये थ्रू आउट यहां से यहां तक, और ये टू टी इसके इधर आ जाएगा, तो ये टू टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने टेंशन से ऊपर है, रोक के रखना है बस। तो ये 40 टू टी एन टी 70 शुड बी इक्वल टू एम जी। तो 70 इज इक्वल टू एम जी, एम इज 7 और ये 7 नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 न्यूटन। मतलब 70 न्यूटन को होल्ड करने के लिए हमें 1/10 ऑफ द फोर्स लगाना पड़ रहा है, बिकॉज पुलिस जो है, मल्टीपल पुलिस आर हेल्पिंग अस विद द लेस फोर्स, मोर वेट इज लिफ्टेड अप और हेल्ड। इसलिए वर्कशॉप में ऐसे मल्टीपल पुलिस से हैवी वेट उठाते थे पहले, आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए हैं, मैनुअली नहीं करना पड़ता है, क्रेन्स आ गई हैं, प्लेस हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आ गई हैं। ऑलराइट, सुडो फोर्स का एक थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, देन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो, जब सपोज इफ आई आस्क यू कि ये सपोज ये किसी ट्रेन के अंदर ये बॉक्स रखा हुआ है ना, ट्रेन एक्सलेशन ए से जा रही है, तो ये ट्रेन के अंदर जो बैठा है तो बोलेगा ये रेस्ट पर है ना, बट बाहर जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर वो बोलेगा ये बॉक्स भी ट्रेन के साथ जा रहा है एक्सलेशन ए से। ऑलराइट, तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम लगाएंगे बाहर वाले के रिस्पेक्ट में, तो कैसे लगाएगा ये ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर है वो क्या बोलेगा, इसको फ्रिक्शन आगे लेके जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज टेकिंग इट फॉरवर्ड, विद टेकिंग फॉरवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर ये पीछे चला जाएगा, बट फ्रिक्शन फोर्स उसको, जैसे सपोज ये सिचुएशन ली, फ्रिक्शन नहीं है तो ये इनफैक्ट पीछे नहीं जाता, ये अपनी जगह रहेगा और ये आगे निकल जाएगी ट्रॉली और ये नीचे गिर जाएगा बाद में, बट फ्रिक्शन की वजह से ये आगे जाता है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से आगे जा रहा है। इसको फ्रिक्शन जो है, इसमें टेंडेंसी टू स्लाइड बैकवर्ड है, फ्रिक्शन उसको आगे लेके जा रहा है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बोलेगा फ्रिक्शन उसको आगे एक्सेलरेट करा के ले जा रहा है। ठीक है, बट एज पर दिस पर्सन ये तो रेस्ट पर है ना, तो ये बोलेगा एफ नेट इज इक्वल टू जीरो हो गया, बट प्रैक्टिकली तो ये चल रहा है ना, तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो ये रुका हुआ है, बट वी कैन सी इट इज गोइंग फॉरवर्ड, तो न्यूटन सेकेंड लॉ इसके लिए फेल हो रहा है। तो जब ऑब्जर्वर एक्सीलेटेड होता है, ये इसके अंदर बैठा है, ट्रेन एक्सीलेट हो रही है, ऑब्जर्वर एक्सीलेटेड फ्रेम में होता है, तो उसको न्यूटन का सेकेंड लॉ मॉडिफाई करके लिखना पड़ता है, इसको एक इसके ऊपर फोर्स, इमेजिनरी फोर्स लगा के इक्वेशन लिखनी पड़ती है, तभी ये इक्वेशन आएगी जो एक्चुअल इक्वेशन जैसे दोके। तो लेट अस सी व्हाट इज द सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है जब ऑब्जर्वर एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, जैसे ट्रेन एक्सेलेट हो रही है उसमें बैठा है, देन न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट वैलिड, न्यूटन सेकेंड लॉ फेल हो जाता है, वी हैव टू यूज सूडो फोर्स टू मेक इट वैलिड। न्यूटन सेकेंड लॉ अगर करेक्ट रिजल्ट दिलवाना है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ता है उसमें। सूडो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द पार्टिकल इज मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द एक्सीलरेटेड ऑब्जर्वर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है, इसके ऊपर अपोजिट लगाना पड़ता है एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, तभी वो उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। एक्चुअल फोर्स नहीं है, वो इमेजिनरी फोर्स है, कब काम आता है, जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो तभी सेकेंड लॉ इक्वेशन बनती है। तो क्या बोलेगा वो, इसके ऊपर अपोजिट एक्सीलरेशन, अपोजिट सूडो फोर्स लग रहा है, मास इनटू अपोजिट एक्सीलरेशन, खुद का अपोजिट एक्सीलरेशन, ये इधर जा रहा है, खुद से अपोजिट लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। तो अभी एफ नेट रेस्ट पर है, ये क्या बोल रहा है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट के लिए एफ नेट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो आगे की डायरेक्शन में
फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, माइनस अपोजिट सूडो फोर्स लग रहा है एम ए इज इक्वल टू जीरो, एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। सेम इक्वेशन आ गई जो ग्राउंड वाले ने बताई थी, ठीक है। तो दोनों से सेम इक्वेशन आने के लिए जो है एक्चुअल में सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जब ऑब्जर्वर भी एक्सीलेट होता है, अदरवाइज न्यूटन सेकंड लॉ फेल हो जाता है। तो दैट्स व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। कितना होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ पार्टिकल, ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, सूडो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, तो इट विल बी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द सूडो फोर्स। जो इक्वेशन बनाएगा वो उस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाएगा उसका मास लेगा, खुद का एक्सेलरेशन उसमें लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो आएगा वो सूडो फोर्स होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। टू मेक द न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे ये अभी इसमें देखो क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एंगल अल्फा, एंगल थीटा कर लो, चलो ठीक है अल्फा रहने दो। द इंक्लाइन इज गिवन एक्सेलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, देन ए इज इक्वल टू, ये ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है तो ए कितना होना चाहिए मिनिमम, तो इसको हम अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बनाए, यहाँ पे हम बैठ जाए खुद, तो हम बोलेंगे ये रेस्ट पर है और रेस्ट पर जो है ग्राउंड से रेस्ट पर है, तो लेकिन यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, नीचे लाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, एम जी साइन अल्फा, एंगल अल्फा दिया, तो कौन सा फोर्स इसको बैलेंस कर सकता है, सूडो फोर्स एम ए। ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, ऑब्जर्वर जो इक्वेशन बनाएगा तो वो भी एक्सेलेट हो रहा है ना इधर एक्सेलेरेशन ए से, तो ये इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाएगा, सूडो फोर्स का जो ये कंपोनेंट होगा एम ए, ये एंगल अल्फा रहेगा, एम ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा टू सीट एट रेस्ट, ये इसको रेस्ट पे तभी दिखेगा, ठीक है। तो एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एम चला गया, ए इज इक्वल टू जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ए इज इक्वल टू जी टेन अल्फा, तो दिस इज द आंसर सी ऑप्शन। क्या किया, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बनाना इजी है, ग्राउंड से बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आएगी, तो इसलिए यहाँ से यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर को बढ़ा दिया, वो इक्वेशन बनाएगा, सूडो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं इसको, सूडो फोर्स लगा दिया अपोजिट में, उसके ये कंपोनेंट से ग्रेविटेशन के ये कंपोनेंट को बैलेंस कर दिया, तो G10 अल्फा अगर एक्सेलरेशन दे दिया तो ये ब्लॉक रुका रहेगा, स्लो दिया धीरे धीरे नीचे आएगा, इससे ज्यादा दे दिया तो ये ऊपर क्लाइम होकर नीचे गिर जाएगा जस्ट, तो विदाउट फ्रिक्शन अगर रोकना है तो एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड करा के रखना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। Friction we'll see in the next class. That's all. Thank you very much. All right. We are ending here.